हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 18th जुलाई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक में हमें 1.33% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 33.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल भी यहाँ पे छोटी सी बनी है, ऊपर के साइड में छोटी सी विक भी हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ हमारे RSI की, 4950 मतलब एकदम ही न्यूट्रल हमारा RSI हो चुका है जो दोनों साइड का हमें इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ, चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए इस स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर अभी भी जो है वो नेगेटिव साइड का है। चांसेस यहाँ पे हाई है कि स्टॉक हमें और गिरते हुए देखने मिलना है। और यहाँ पे मैं आपको कह दूँ, स्टॉक यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने वाले, साथ ही साथ आपको भी जो है यहाँ पे स्टॉक में लॉन्ग का कोई पोजिशन या फिर होल्डिंग नहीं रखने, जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी चाहे इंट्राडे में हो या फिर पोजिशनल में हो, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेंड में हमेशा हमें डाउनसाइड की जो है अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बाकी डाउनसाइड यहाँ पे कहाँ तक सबसे पहले देखने मिला उस बारे में मैं आपको लेवल्स थोड़े बता दूँ। 32.81 के आसपास हमें स्टॉक सबसे पहले गिरते हुए देखने मिलेगा। अगर उसको क्रॉस करते हुए स्टॉक गया तो इजीली डाउनसाइड 31.70 के आसपास जो देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा स्टॉक में आप जो है ज़रूर यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी ना जाए क्योंकि वहीं पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा और वहीं पर आपको प्रॉफिट भी जो देखने मिलेगा। करंटली मेरा ओपिनियन आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव साइड का है। आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पर आपको जो है चार्ट के बेसिस पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहाँ पर देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन तो करके रख दिया यहाँ पे क्योंकि कुछ नया हमें डेटा देखने मिला, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे जरूर मार्किंग जो करके रख देता हूँ। मैं चाहूँगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये सारी की सारी जो मैं मार्किंग्स दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे खास करके मेंटेन करने में। तो ज़रूर जो आप यहाँ पे उस चीज़ को देख ले। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी हमारा जो है मार्किंग्स कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादातर मार्किंग्स थी तो हमें ऐसा जो कोई जो है एक्स्ट्रा मार्किंग्स नहीं करनी थी, जितना हमें जो भी एक्स्ट्रा डेटा देखने मिला उसी के बेसिस पे थोड़ी सी मार्किंग करनी थी तो वो हमने अभी कर ली है। नीचे के साइड में थोड़ा सा हम फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नया डिफरेंट जो डेटा देखने मिल रहा है उसको भी हम मार्क करके रख देते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंट यहाँ पर डेटा देखने मिल रहा है उसको भी मैं मार्क करके रख देता हूँ। अब यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके हमें दोनों साइड का डेटा देखने मिले कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33.40 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 33.25 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 33.55 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है
तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल का यहाँ पे मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 32.95 का, उसके बाद कहते हैं 32.65 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 33.80 का, उसके बाद कहते हैं 34.10 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे चांसेस थोड़ा सा है कि हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिले, ज़्यादा नहीं लेकिन 33.55 से लेकर 33.80 की रेंज में हमें पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग जो देखने मिल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ओपिनियन जो है स्टॉक में पॉजिटिव मंडे का है, मंडे के लिए है, तो आप पॉजिटिव साइड में ट्रेड ले। आपको जितना हो सके उतना डाउन साइड के लिए ही जो है आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी का, और डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, क्योंकि वहीं पे जिस तरह से मैंने कहा रिस्क टू रिवर्ड रेशो आपके फेवर में होगा और वहीं पे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे जरूर आप जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी चाहे रेजिस्टेंस पे हो या फिर सपोर्ट को तोड़ते हुए हो। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।